हेलो सौरभ कैसे हैं आप एकदम बढ़िया प्रणय ख्याति कैसी हो तुम बस एकदम ठीक है 2022 फिनिश होने आया है कैसा आ, लग रहा है आपको हाँ ये बात एकदम ठीक है मतलब कैसा लग रहा है हम तो लगे हुए हैं जद्दोजहद में अपने क्वार्टरली नंबर पूरे करने में यहाँ पर सब लोग छुट्टी मनाने <laughs> में लगे हुए हैं हम लोग अपनी क्या कह हैं सेल्स में लगे <laughs> अच्छा हाँ, <laughs> तो है वही 2022 खत्म हो रहा है तो आ, मतलब हाँ हम काम तो चल ही रहा है एक और नया साल आ जाएगा बस डेट बदल जाएगी काम तो चलता ही रहता है लेकिन हाँ ये ऐसा अच्छा मौका रहता है थोड़ा रुकने का और आ, एक पीछे क्या हुआ पिछले एक साल में उस पर ए, थोड़ा नजरिया ए, सोचते हैं हम लोग और पता करते हैं क्या हुआ क्योंकि ये साल हम पुलियाबाजी के लिए थोड़ा अलग था Uh, पिछले सालों में हम लोग एपिसोड होते थे हर साल में लेकिन इस साल uh, हमारे बा, कितने बावन एपिसोड तो हो चुके हैं ऑलरेडी तो डबल हो चुके हैं तो uh, हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा सुनना पड़ा हमको पिछले एक साल में हाँ, हाँ. तो आई तो, मीन I mean, ये लास्ट एपिसोड है साल का तो इसको थोड़ा डायलॉग भी बना सकते हैं मतलब हमारे श्रोता भी हमको बताएं कि ये फ्रीक्वेंटली और अभी कभी कभी हम लोग एक छोटा टॉपिक लेते हैं कभी गेस्ट को बुलाते हैं इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच किया है थोड़ी वैरायटी बढ़ गई है तो आपको ये पसंद है नहीं है इसमें कुछ आप फर्क देखना चाहेंगे क्या करना चाहेंगे और हमारे पास वैरायटी भी बहुत है टॉपिक्स की तो किस टाइप के टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद आए कुछ प, कम पसंद आए आपस में भी पूछेंगे ना ख्याति तुम्हारे फेवरेट एपिसोड्स कौन से हैं साल के मैं वैसे तो बहुत मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है बाय द वे अच्छा। <laughs> की बेस्ट ऑफ 2022 और हम कोशिश करेंगे कि हम youtube पे ये डाल के लोगों के लिए साथ शेयर करें तो जैसे मैंने रियलाइज किया कि मैंने काफी एपिसोड्स मिस किए थे तो आई थिंक आई किन मिस किए तो एटलीस्ट वो बेस्ट ऑफ 22 तो तो में जाके एक बार देख सकते हैं और एक तो सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है फिर भी मैं मुझे पसंद आया कोविड 19 वाला एपिसोड जो आपने किया था मीर महाजन के साथ क्योंकि एक तो उस विषय पे बहुत कम लोगों ने बात की है और तब मैं श्रोता थी तो मैं एक ऑडियंस के एंगल से बता रही हूँ मेरा फीडबैक की तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों ने उस पर बात की थी और आ, मुझे लगता है शायद और बात भी होनी चाहिए उस टॉपिक पे आगे भी मतलब पता नहीं आई थिंक हमारे देश में थोड़ा और लेसन लर्न टाइप का कुछ होना चाहिए इसपे और होपफुली आगे और डेटा आएगा तो हम उसपे और चर्चा कर पाएंगे लेकिन वो एक मेरे लिए उस रीजन से काफी आ, मुझे अच्छा लगा था वो हुँ, हुँ. आपका कौन सा एपिसोड आपका पसंदीदा था या जिसमें आपको लगा कि आपने कुछ एकदम नहीं नया कुछ सीखा या नया कुछ जाना जो आपको शायद पहले नहीं जिसमें कुछ पता था या ऐसे कुछ नहीं नहीं नया तो हर बार सीखते हैं वरना तो हम ये करेंगे क्यों सबसे पहले तो हम खुद के लिए करते हैं इसमें श्रोता लोगों का कुछ जाता है तो साइड इफेक्ट है <laughs> ये। तो पहली चीज तो ये बोलिए हम लोगों के खुद के लिए है कि हम लोगों को जानने को कुछ मिलता है मुझे I mean, हमने एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पे एक एपिसोड किया था वो मुझे और मेरे मीन I mean, नया हम इसमें क्या मतलब मेरे ख्याल से अंग्रेजी हिंदी किसी भी भाषा में वो एक बहुत ही अ, अलग टाइप का टॉपिक था और हमारा पुलियाबाजी में एक ये रहता भी है ना कि हम ऐसी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं जो हिंदी में होती नहीं है अक्सर तो वो हुँ. उस एंगल से मेरा काफी पसंदीदा एपिसोड है उसमें ऑब्वियसली सीखने को तो बहुत ही कुछ मिला पर हमने उस तरीके का टॉपिक हिंदी में और हिंदी हिंदी में इतनी डिटेल में डिस्कस किया वो मुझे बहुत पसंद है फिर हमने अंबेडकर का जो घोषणा पत्र डिस्कस किया वो भी मुझे काफी पसंद है इसी साल किया ना प्रणय हम लोगों ने रिलीज वो हाँ हाँ इसी साल किया किया वो भी वो भी क्योंकि वो अंबेडकर की बहुत राइटिंग्स बहुत पॉपुलर है लेकिन घोषणा पत्र जो है वो काफ़ी एक हमने अंबेडकर की भी कोई एक ऐसी अच्छी राइटिंग ढूंढ ली जो कि जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण उनका वो आई थिंक लेख है तो वो वो भी एक मेरा काफ़ी फेवरेट एपिसोड है और एक जो रिसेंट हमने सुमित के साथ एनिमेशन इंडस्ट्री पे किया था वो भी मुझे एकदम अलग सी चीज़ है और मैं काफी मुझे काफी शौक है उस चीज का पर्सनली तो मेरे को तो ये ऐसे मैं गिनता रह सकता हूं लेकिन टीम में ये हाँ, हाँ, मेरे दिमाग में आते हैं और ये तीन आई थिंक हमारी वैरायटी भी दिखाते हैं कि हम किस तरीके की वैरायटी पुलियाबाजी पर डिस्कस करते हैं बिल्कुल हम आप बताइए हाँ तो मैं हां मैं पॉलिसी वाले एपिसोड बताता हूं तो मुझे तो जैसे वो हेमा के साथ हम लोगों ने जो एपिसोड किया था हेमा हटंगड़ी के साथ और उन्होंने बताया था किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो रन करनी है उनमें क्या दिक्कत दिक्कतें आती हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे मुझे एक वाक्य याद है उनकी किताब में और जब उन उनसे उनने बातें भी की थी कि एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा होता है और एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी है एक इंडस्ट्री को तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे उनकी जो इलेक्ट्रिक मीटर्स थे उन्होंने सिंगापुर में भेजे थे और मीटर्स तो ठीक ठाक थे अच्छे थे लेकिन उसकी पैकिंग उन्होंने बड़ी अः मतलब जैसे हमारे यहाँ जुगाड़ टाइप कर देते हैं वैसी की थी तो वो डीलर ने उनको ताबड़तोड़ बुला लिया कि ये क्या है मतलब इस तरीके की तुम थोड़ी ना बेच सकते हो तो मतलब इस तरीके की चीजें पता पड़ती है कि कैसे एक्सपोर्ट करने से कई फायदे होते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता लेकिन जब हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट तभी समझ में आता है कि बाहर की डिमांड क्या है किस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को कैसी किस तरीके से बेचना है और वो लेसन जब हमें सीखेंगे तभी हम लोग कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स बना पाएंगे पूरे विश्व के लिए तो वो मुझे आ, काफी दिलचस्प लगा था उसके अलावा एक तो एपिसोड था हम लोगों ने जो रोहिणी नीलेकणी के साथ किया था और जिसमें हम लोगों ने समाज सरकार बाजार के बात की थी जैसा मैंने उस एपिसोड में भी कहा था हम लोग ये फ्रेमवर्क हमेशा यूज करते हैं पुलियाबाजी में आखिर में तो उसी के ऊपर हम लोगों ने जो बात की रोहिणी से जो जि, जिन्होंने ये फ्रेमवर्क भारत में अप्लाई किया है तो काफी कुछ सीखने मिला मुझे और उसमें भी आ, मुझे एक बात जो अभी भी याद है उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि कई लोग जब नॉन प्रॉफिट सेक्टर में आते हैं तो वो रिस्क अवर्स हो जाते हैं मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। वो लोग भी जो कॉरपोरेट्स में काफी रिस्क लेते हैं लेकिन जब वो नॉन प्रॉफिट में आते हैं तो वो ऐसे कॉजेस को सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं है या जिसमें आ, सेफ है तो वो एक दिलचस्प बात थी कि किस तरीके से वही इंसान जो कि एक क्षेत्र में काफी रिस्क उठाता है वो नॉन प्रॉफिट को एक काफी अलग तरीके से देखता है तो वो मुझे अच्छी लगी थी बात हाँ। वैसे एज अ टॉपिक मुझे हमेशा लगता है कि जितने भी आप जितने भी पुलियाबाजी के कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एपिसोड्स हैं वो मेरे मतलब ऑल टाइम फेवरेट्स हैं मैं काफ़ी बार वो बार बार सुनती हूँ कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली exactly क्या था तो मैं वापस जाके एक बार सुनती हूँ लगता है ज्यादा लिसनर्स ख्याति सुन रही है बार बार <laughs> सारे सारे इसी इसी तरह से हम स्पॉटिफाई में टॉप पॉडकास्ट लिस्ट में आ गए है ना हां थैंक्स टू ख्याति वैसे मुझे एक और अच्छा एपिसोड तो, लगा था जो हम लोगों ने इस साल में हमारा एक फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन से वो जो हमारा पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन वाला एपिसोड है ना ख्याति वो इस साल में हमारा आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफी डीप एपिसोड और वो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा एपिसोड है वो भी आप कुछ बोल रहे थे पिछले साल का था पिछले साल का था ओके तो फिर मैं

अलग-अलग जनरेटिव एआई हैं और उसका क्या असर पड़ेगा तो अच्छा बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला था हमें श्रोताओं से तो मुझे वो एपिसोड भी बहुत पसंद है तो ख्याति ही श्रोता भी है और ख्याति ही अच्छे एपिसोड भी बना रही है तो फिर तुम क्या बोले और नहीं हाँ तो ऐसा कौन कौन से एपिसोड है वैसे जिसमें आपको लगा कि ठीक है हमने बात तो की है पर शायद इस पे और बात होने की जरूरत है या शायद हम हमें किसी और एक्सपर्ट को बुला के इसके बारे में बात करने की जरूरत है ऐसे भी आई एम श्योर कुछ तो टॉपिक्स रहे होंगे जिसमें आपको ऐसा फील हुआ होगा हम्म नहीं मुझे तो ये फॉर एग्जांपल जो एआई वाला ही एपिसोड था वो आई I मीन mean, हमने जस्ट सतही खुरची है तो हाँ। उसमें अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और आगे जाने के लिए उसमें डीप तो मुझे लगता है कि वो एक वो एक एपिसोड बस अभी चर्चा शुरू हुई है ऐसा ऐसा उस पर लगता है उससे काफी लोगों की जिंदगी बदलने वाली है और प्रणय आपको हाँ मुझे भी वही लगता है कि वैसे तो पुलियाबाजी की का हर एपिसोड शुरुआत है तो कई चीजों में जो तो जो भी टेक्नोलॉजी की बातें हैं वो और समझने की जरूरत है जैसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी उसमें भी बहुत कुछ होगा शायद इस दशक में नई चीजें होंगी तो वो पुलियाबाजी चलती रहनी चाहिए उस पर तो करते रहेंगे हम लोग नई नई बातें और हाँ फिर हम लोगों ने एक पब्लिक फाइनेंस के ऊपर एक एपिसोड किया था अवनी के साथ अवनी कपूर के साथ सीपीआर से वो भी मुझे लगता है कि हमें और समझने की जरूरत है उसे तो जैसे हम लोगों ने भारतीय स्तर पर किया था लेकिन राज्यों के पब्लिक फाइनेंस क्या है कैसी है किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है उस पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से आ, हर कुछ दो तीन राज्य वैसे ही पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या असर हाँ। होगा वगैरह वगैरह तो कई ऐसे विषय हैं जो उभर कर आ रहे हैं और आ, आ, पब्लिक फाइनेंस पर और चर्चा होनी चाहिए एक ऐसा विषय जिस पर ज्यादा बातें और करते नहीं है कोई आ, लेकिन बहुत जरूरी है यह विषय मुझे लगा कि हमें ना वो हमने जो वाटर के प्राइसिंग वाले टॉपिक पे बात की थी उस मुझे लगता है हम और बातें कर सकते हैं और हमें शायद किसी एक्सपर्ट को बुलाना भी चाहिए जिसके साथ हम पानी के बारे में और बातें कर पाए क्योंकि मुझे लगता है पानी खैर समझाने की क्या जरूरत है तो सबको पता ही है <laughs> कि पानी कितना इम्पोर्टेंट विषय है हाँ तो प्रणय आप कुछ आज भविष्यवाणी डिस्कस करना चाहते थे आप कुछ ट्वेंट दो हजार तेईस तेईस के लिए आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहते थे तो पहले तो मुझे ये थोड़ा बताइए कि

जाने अनजाने में जरूर भविष्यवाणी करते हैं और अक्सर अनजाने में करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे ये सरकार नहीं आएगी या ये सरकार नहीं है लेकिन उस पर हम लोग ज्यादा नहीं देते और आ, कि आ, उसका एक्चुअली वो जो भविष्यवाणी थी वो सच आई या नहीं आई तो जैसे फिलिप टेटलॉग है उनकी एक बहुत फेमस किताब है सुपर फोरकास्टिंग शायद हम लोगों ने पुलियाबाजी में भी उसकी उसके बारे में बात की होगी लेकिन उसमें यही है वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आउटकम इेलिवेंट लर्निंग मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या निष्कर्ष रहित ज्ञान <laughs> तो अगर हम लोग हम लोग नई चीजें तभी सीख पाएंगे जब हम लोग एक भविष्यवाणी करें और अगर वो भविष्यवाणी गलत हो तो हम लोग पीछे जाकर फिर सोच पाए कि यार ये मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत क्यों हो गई तो जब तक हुँ. हम लोग उस तरीके का प्रोसेस सिस्टमैटिकली नहीं कर पाएंगे हम लोग नई चीजें नहीं सीख पाएंगे तो जैसे हम लोग एक भविष्यवाणी करेंगे और फिर अगर वो चीज सच नहीं हुई तो हम लोग कोई ऐसे ही कोई एक्सक्यूज दे देंगे कि अरे मैंने तो सही सोचा था लेकिन दुनिया में कुछ और हो गया या फिर दुनिया तो गड़बड़ हो गई इसलिए ये नहीं हुआ तो हम लोग अपना जो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेजियन प्रायर्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे किसी भी प्रेडिक्शन के लिए वो अगर हम लोग अपडेट नहीं कर पाए तो हम लोग सीधे उसी दिशा में सोचते रहेंगे जैसे हम लोगों ने शुरुआत की है तो इसीलिए ये आ, आउटकम लर्निंग को अवॉइड करने के लिए आ, मैं कहता हूं कि हर साल प्रेडिक्शन कीजिए और खुद के लिए मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा हूं ये खुद के हाँ। लिए जिससे कि आप साल के अंत में जाकर फिर से रिफ्लेक्ट कर पाए कि आप सही थे नहीं थे

क्लियरली लिखते हैं और बोलते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ तो आप फिर उसके बाद छुप नहीं सकते बाद में नहीं बोल पाओगे पॉइंट ऑफ व्यू बना देना पड़ेगा आप दोनों साइड नहीं रह सकते हो हाँ नहीं बिल्कुल सही बात की आप दोनों ने क्योंकि क्या होता है भविष्यवाणी हम लोग अक्सर कि भारत और बड़ा विश्व पावर बन जाएगा अगले साल इसका क्या मतलब है <laughs> क्या है ये इस, आप फिर मतलब साल के अंत में आप दोनों तरीके के एग्जाम्पल देके इसे प्रूव भी कर सकते हो भी कर सकते हो तो मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू की अच्छी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अच्छी भविष्यवाणी करने के लिए आपको एक तो समझना पड़ेगा कि क्या प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है तो अगर आप बोल रहे हैं भारत बड़ा विश्व पावर होगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा इसका अच्छा मापदंड क्या है और वो मापदंड पे भारत कितने पोजीशन आगे जाएगा ये सब करना मुश्किल रहता है तो एक्चुअली uh, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है जैसे अः uh, एक प्लेटफॉर्म है अभी यूएस गवर्नमेंट खुद एक सुपर फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म फंड करती है क्योंकि कई लोगों ने देखा है कि जो सुपर फोरकास्टर्स है वो कई बार बेहतर प्रिडिक्शन कर पाते हैं कंपेयर टू जो आ, एक्सपर्ट्स होते हैं उस डोमेन में क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना हम लोग एक ही तरीके से सोचने लग जाते हैं अगर हम लोग एक डिसिप्लिन में घुस गए फिर हम लोग अपने अजम्पन्स जो हैं वो क्वेश्चन भी नहीं करते लेकिन जो लोग कॉमन uh, सेंस लगा रहे हैं और डेटा ले रहे हैं और अपने प्रडिक्शन को uh, हर वक्त हर इंसिडेंस के साथ अपडेट भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक ही प्रडिक्शन और वो साल भर चलता रहे उन लोगों की जो कैपेबिलिटी रहती है भविष्यवाणी करने में वो ज्यादा बेहतर रहती है एक्सपर्ट के मुकाबले तो यूएस गवर्नमेंट यूज कर रही है इस तरीके की चीजें उनके इंटेलिजेंस कम्युनिटी uh, में इनपुट्स डालने के लिए तो ये एक अच्छी चीज है uh, मुझे मैंने तो ये रेकमेंड किया है कि हमारी इंटेलिजेंस uh, कम्युनिटी में भी ये होना चाहिए आ, uh, हम लोगों को तो अच्छा ही लगता है भविष्यवाणी करना तो क्यों ना हम लोग इसका सही फायदा उठाएं तो अब तो क्या है अब तो ठीक है अब इस 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 बात पे अगले साल की बता दो तुम्हारी टॉप टीम हाँ मैं मैं सोच रहा था क्या uh, प्रेडिक्ट करूं है ना तो मैं तीन चार चीजें बताता हूं एक तो मुझे लगता है कि अगले साल चीन से भारत का इंपोर्ट्स बढ़ेंगे आ, कम नहीं होंगे आ, जैसे अक्सर आ, लोग बोलते हैं कि हर साल होता है मैं, मैं तो ये भी ये तो कहने के लिए तैयार हूं कि अगले तीन साल भी बढ़ते ही रहेंगे जितना आज है उससे और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे तो लगता है जितने ज्यादा हम लोग इंटरमीडिएट इनपुट्स बनाएंगे या फाइनल इनपुट्स तो हमें उसके लोअर लेवल इनपुट्स इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे तो uh, ये मेरी पहली भविष्यवाणी है दूसरा मुझे लगता है कि चीन और भारत में शायद एक और झड़प होगी कम से कम एक और झड़प होगी बॉर्डर uh, पे uh, और uh, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि uh, अभी अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू हो ही गया है और जिस तरीके से चीन का रवैया रहा है जैसे कि वो तो एल को कभी अपने मानते भी नहीं है कि ये अलग अलग आ, देखने के नजरिए हैं भारत और चीन के उनके मुकाबले उनके मुताबिक तो आ, काफी सारा हिस्सा जो वो मानते हैं वो चीन में होना चाहिए तो वो Uh, जो लाइंस uh, हमारी हैं वो मानते नहीं है और uh, ऐसा मुझे लग रहा नहीं है कि ये सेटल होने वाला है तो ये मेरी uh, दूसरी भविष्यवाणी है तीसरी ऐसी भविष्यवाणी मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी शायद कुछ ना कुछ uh, रिश्ते और गरमाएंगे शायद छोटी मोटी और झड़पे होंगी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो uh, उनकी तरफ से जनरल बाजवा थे मुझे लगता है उनका स्टांस uh, काफी रिस्पॉन्सिबल था कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े कूल्ड cool थे उसके लिए लेकिन अब वो चले गए हैं और अभी जो नए पाकिस्तानी आर्मी चीफ है वो मुझे नहीं लगता बाजवा की तरह होंगे तो मुझे लग रहा है वहां पर भी थोड़ी चीजें होंगी फिर भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रेडिक्शन प्रडिक्शन तो नहीं है तो काफी लोग कह रहे हैं लेकिन हाँ छह प्रतिशत से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी शायद आ, और लास्ट ये प्रेडिक्शन नहीं है लेकिन ये सवाल है सेंसस होगा कि नहीं इस साल अगले साल आपको क्या लगता है सौरभ और ख्या हाँ, ये मुझे संभव ऐसा लग रहा है कि शुरू हो जाएगा खत्म नहीं होगा खत्म वो 2024 के बाद होगा अगले इलेक्शन के बाद डाटा आएगा शुरू हो जाएगा प्रोसेस पर खत्म नहीं होगा हाँ नहीं ये सेंसस बहुत जरूरी है एक और दृष्टिकोण से क्योंकि लोग जैसे कह रहे हैं कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बिना पर डिलिमिटेशन हो सकता है तो कई बार लोग कह रहे थे कि 2031 में होगा वो सेंसस क्योंकि एक 2021 में होने वाला था तो पांच छह साल बाद ये विषय को छेड़ा जाएगा लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अगर ये इलेक्ट ये सेंसस हुआ ही नहीं जो 2021 में था और 2024 तक तो नहीं होने वाला है मुझे भी ऐसा लगता है सौरभ क्योंकि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं तो ये मामला छेड़ा नहीं जाएगा लेकिन मुझे लगता है दो में भी नहीं होगा दो के बाद होगा आगा। आगा। तो जब वो डेट डीलिमिटेशन हाँ। तो फिर वो डीलिमिटेशन की बात शुरू हो जाएगी जल्दी तो ऐसे मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ पर ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें मुझे लगती हैं कि शायद होंगी अगले साल और अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे और भी खुशी होगी ग्लोबल <laughs> रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा कब सबसे अब तो सब लोग यही प्रोडिक्ट करे जा रहे हैं पर वैसे रिसेशन में हमेशा ये भी होता है ना कि ज्यादा रिसेशन प्रेडिक्ट होते हैं हो, जितना जितने होते हैं उससे हाँ, हाँ हुँ. कि एक वो कोट है ना पॉल सैम्यूलसन का कि द मार्केट हैज प्रेडिक्टेड करेक्टली प्रेडिक्टेड नाइन आउट ऑफ द पास्ट फाइव रिसेशन तो रिसेशन का बहुत सुन रहे हैं पर पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा पर रिसेशन की तो अच्छी परिभाषाएं हैं ना जैसे यूएस नेशनल लेवल रिसेशन पर तो पता ही है क्या होता है तो हाँ लेकिन नहीं, ये नैरेटिव इकोनॉमिक्स पर इस बार परिभाषा नहीं मानी ना प्रणय इस बार दो बार हो गया रिसेशन टेक्निकल रिसेशन है लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये नंबर के मतलब कुछ अलग है तो हम नहीं बोलते क्योंकि फाइनली उनका कॉल है डिक्लेयर करना की रिसेशन है नहीं है तो दो क्वार्टर का नेगेटिव ग्रोथ हो चुका है US में, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये तो टेक्निकल रीजंस की वजह से हो गया है, तो हम इसको रिसेशन नहीं डिक्लेयर करेंगे अच्छा। तो ये हाँ, हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि तो इस बार थोड़ा सा है गड़बड़ तो तो कहती लेकिन कह नहीं सकते मतलब ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली तो रिसेशन है, हो, हो चुका है यूएस में पर, पर घोषित नहीं है अघोषित रिसेशन टाइप है जिसको बोलना चाहिए और थोड़ा मामला ठंडा रहेगा इंडिया के लिए मैं बोल सकता हूँ मुझे लगता है जो वो हम के शेप रिकवरी बोलते हैं कि एक तबका बहुत अच्छा कर रहा है और एक तबका जो है वो अच्छा नहीं करेगा ऐसा नहीं। मुझे लगता है थोड़े और समय कंटिन्यू रह सकता है पर थोड़े अच्छे साइंस दिख रहे हैं कि फाइनली टू व्हीलर सेल्स जो है वो दो के लेवल पर आ गई है तो ऊपर 2019 और अब मैं फर्क है ना तीन साल पहले का रियल ग्रोथ तो नहीं बोल सकते लेकिन एटलीस्ट uh, डायरेक्शन uh, तो थोड़ी ठीक है तो वो मेरे ख्याल से जो के शेप रिकवरी चल रही थी वो के 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 की नीचे की डंडी थोड़ी कर से वो के ऊपर उठ सकती है हम्म तो ये तो सौरभ मुझे, मुझे मे, मे, मेरे पास एक सवाल है आप आ, आ, ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले आज हम लोग जब बात कर रहे थे आप बोल रहे थे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जो कहानी है उसमें आपको बदलाव लग रहा है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग भारत का कुछ पंद्रह सोलह प्रतिशत जी है जितना भी हो शायद आ, आज जितना हो तो आपकी क्या भविष्यवाणी है कि अगले साल तक वो एक प्रतिशत ज्यादा होगा दो प्रतिशत ज्यादा होगा पांच प्रतिशत ज्यादा होगा कितना हाँ, नहीं, नहीं पांच प्रतिशत ज्यादा तो नहीं हो सकता है पर बा, भी एक चीज है जितना लोग जितना भी लोग बोलते हैं कि भाई आई मीन एक ये भी मैन्युफैक्चरिंग की एक सक्सेस स्टोरी है पचासी से आज तक हिंदुस्तान का ओवरऑल ग्रोथ रेट काफी जबरदस्त है ठीक है और मैन्युफैक्चरिंग का रेशियो मेंटेन हुआ हुआ है तब से ऐसा नहीं है कि नहीं। वो कुछ कुछ सोलह से पंद्रह हुआ है ऐसा कुछ हुआ है इतने सालों में हुँ? तो ओवरऑल जो है काफी मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ी है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ी है तो उसकी वजह से उसका जीडीपी में हिस्सा कम हो गया लेकिन ओवरऑल बेनिफिस पर जीडीपी में मेरे विचार में अभी जिस तरह से चल रही है हालत तो और स्पेशली ग्लोबल कंडीशंस की वजह से भी चाइना वगैरह की वजह से और अभी एक थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बन गया है क्योंकि चाइना यूक्रेन रशिया का मामला है प्लस uh, सरकार की तरफ से जो पुश है वो दोनों एक साथ हो गए हैं तो मेरे हिसाब से एक प्रतिशत ज्यादा होने हो सकता है आधा से एक एक शायद नहीं होगा लेकिन जितना भी अनुपात है मेरे हिसाब से आधे से एक प्रतिशत बढ़ना चाहिए शेयर शेयर ऑफ मैनुफैक् जी हाँ शेयर ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा बढ़ेगा इस साल सिर्फ़ एक प्रतिशत हाँ, सिर्फ एक ए, 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 सिर्फ एक नहीं है मतलब सोचो वो साल से एक हुआ है तो हिंदुस्तान में सौरभ मैं मैं ये कंटेस्ट करूंगा जो आप बोल रहे थे की मैन्युफैक्चरिंग सेम लेवल पे रहा है वो तो ठीक है रहा है पर हमारा कंपैरिजन पॉइंट दूसरे देशों से है ना उनका कितना बढ़ गया है उस दौरान में तो कई सारे कंपेरेटिव कंट्रीज जो थे वो काफी आगे बढ़ गए हैं उस मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी तो उस मतलब हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है उस क्षेत्र में राइट और यहाँ पे थोड़ा रिलेटिव में थोड़ी भागा वो भी रहती है एक और भी चीज है कि सर्विसेज भी इंडिया का बहुत अच्छा ही कर रहा है तो शेयर बढ़ाने में एक तरिक, एक तरीके की दौड़ है ना तो मैन्युफैक्चरिंग कितना भी अच्छा करे आई uh, मीन I mean, अगर सर्विसेज और अच्छा कर रहा है और अभी कोविड की वजह से खासकर आईटी सर्विसेज को बहुत पुश मिला है और ज्यादा और ये मेरे ख्याल से अगला डेकेड गोल्डन पीरियड रहेगा आई टी सर्विसेज का uh, तो ये भी एक चीज है uh, कि अभी बहुत जबरदस्त मतलब खड़े हो जाओ तो काम मिल रहा है कंपनीज को ठीक है हुँ. कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है अगर मतलब आप खड़े हुए हैं आपके पास दो हाथ हैं आंख है, तो काम मिल रहा है ठीक है तो तो एकदम जबरदस्त काम है सर्विसेज में भी तो इस तरह से लेकिन लेकिन मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को अनुपात में दूसरा अगर इकोनॉमी के साइड में ही जाए तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेरे ख्याल से ये अगला साल में हमको फर्स्ट टाइम आई थिंक कुछ सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए अभी तक तो मेरे ख्याल से थोड़े टॉय नंबर है छोटे छोटे पर अब मुझे लगता है कि थोड़े से कुछ सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे कि भाई कुछ दो परसेंट या तीन परसेंट सेल का जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहिए इस तरीके के कुछ नंबर हमको दिखने चाहिए आप फोर व्हीलर्स की बात कर रहे हैं या टू टू यालर अभी फोर व्हीलर में थोड़ी गाड़ी थोड़ी थोड़ी दूर पर दो प्रतिशत तो हो गया ना सौरभ ऑलरेडी टू व्हीलर का पिछले साल के सेल्स नहीं दो करोड़ टू व्हीलर बिकते हैं यार इंडिया में हम्म हम्म ठीक है तो हमारा बेस जो है बहुत बड़ा है और ये सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के भी तुम देखोगे तो बात हजारों में हो रही है मतलब ओला वगैरह के आठ नौ हजार हजार व्हीकल है ना तो सबके ऐसे मतलब मंथली सेल जो है ये बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं पर आई थिंक अगले साल में हमको थोड़े सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए और थ्री व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में तो टेक ऑफ होगा जबरदस्त हो सकता है दस बीस परसेंट तक भी दस परसेंट बीस परसेंट भी पहुंच जाए और दूसरी एक और चीज है परिणाम सोचने वाली हम इतने जल्दी परसेंटेज नहीं भी बढ़ाना चाहिए फाइनली जो सेल हो रहा है वो कुछ ही शहरों में भी हो रहा है क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर टू सिटीज में तो अभी है ही नहीं ना और अभी टॉप दस शहर हैं जो वहीं पर है ये ज्यादातर जो सेल है अभी तो उसके बाहर जाना है सिग्निफिकेंट नंबर आने के लिए तो उतना भी हो जाए मेरे ख्याल से हमारा टारगेट ही क्या था 2030 तक अगर हम 20-25 परसेंट कर लें तो बहुत है ना ए एक और आई मीन उसको तो भविष्यवाणी नहीं बोलना चाहिए अभी चैट जीपीटी टी फोर आ जाएगा अप्रैल में तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट और इन सब में एआई जो जेनरेटिव एआई है वो अभी मतलब ताबड़तोड़ मचाने वाला है मैं वेट कर रहा हूँ कि मतलब रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी वगैरह में कब आएगा पर अभी मेरे ख्याल से अगले साल तो नहीं आएगा आ, ये, ये 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 ए के रिलेटेड एक रिफ्लेक्शन था भविष्यवाणी नहीं थी दस साल पहले जब हम बात कर रहे थे तो अगर आपको याद होगा हम ऑटोमेटेड कार्स की बात कर रहे थे और हमको लग रहा था कि कितना चेंज आ जाएगा ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी और मतलब गाड़ियां ऐसे ही विदाउट ड्राइवर्स ही घूमने लगेंगी पर अभी हमें नहीं लग रहा कि अभी तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो कुछ ड्राइवर्स की तो जॉब सुरक्षित लग रही है पर उसके सामने जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है उसके ज्यादा चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी है ऐसा लग रहा है हाँ तो वो तो, तो उन्हें मुझे लगता है तो हमारे चीजें हम पुलियाबाजी के दर्शकों को पता हुआ कि हम उनको शुरू से कह रहे हैं कि ये होने वाला नहीं है जल्दी अच्छा तो पहले एपिसोड पहले एपिसोड से कि कार इतनी जल्दी नहीं आने वाली है सड़कों पर ये हम काफी समय से कह रहे हैं और हमारी ये एक ठीक साबित हुई है नहीं काफी लोग ऐसा बोल रहे थे पर हमने तो काफी बार बोला है कि ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है तो वो और वो अभी भी आई थिंक हम उसी चीज पे हैं। और सेम चीज आई थिंक व्हाइट कॉलर जॉब के साथ भी होगी ख्याति आई मीन वो बहुत अच्छा है लेकिन पूरा आदमी रिप्लेस कर लेगा जैसा गाड़ियों के साथ है ना बहुत अच्छा है लेकिन फाइनली पूरा तो है हाँ, है तो जैसे है। जैसे है, बोलते हैं है, तो मेरे हुँ. ख्याल से अब उसी तरह से व्हाइट कॉलर लोगों को एकदम टर्बो चार्ज हो जाएंगे आधा टाइम आप चाय पानी गपशप में लगा सकते हैं फाइनली आपको आज का आर्टिकल जो है आखिरी के आधे घंटे दो घंटे में आप लिख

अब ये जो ये वाली चीजें आप देख रहे हैं ये उस नेचुरल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के नंबर से मिलता ही जुलता है या उससे बहुत अलग है ये भी एक सोचने वाली बात है हम्म ना क्योंकि हर साल होती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो इसी तरह तो ग्रोथ असल ग्रोथ तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से ही आता है ना हाँ बिल्कुल तो एक मैं मैं और एक uh... प्रेडिक्शन करने वाला हूँ सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री पे क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा एक एपिसोड रहा मुझे तो वो एपिसोड बहुत पसंद आया क्योंकि सौरभ ने बहुत सारी चीजें उसमें भी डिस्कस की थी जो मेरी जो एजम्पन्स थे उसको चैलेंज किया था तो uh, अच्छे एपिसोड है मुझे uh, और दर्शकों को भी पसंद आया काफी तो उसमें मुझे लगता है कि अगले साल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बस्ट साइकिल आएगा तो अः मतलब ये, ये साइकिल रहती है बूम बस्ट तो इस आ, अगले साल में जो रेवेन्यू रहेगा वो पीक हो जाएगा और कम हो जाएगा कंपेयर टू तो दिस ईयर ऐसा मुझे लगता है अब इसमें भी दो अपोजिंग फोर्सेस हैं कई लोग बोल रहे हैं कि आ, क्योंकि जैसे सौरभ ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल दो जो बिल ऑफ मटेरियल्स होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चिप्स का काफी ज्यादा होता है हर देश इसमें पैसे डाल रहा है तो उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए लेकिन एक अपोजिंग फोर्स भी है क्योंकि हम लोगों ने जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी उसको तोड़ दिया है और अब सब लोग अपने खुद के देश में बनाना चाहते हैं एक नई इंडस्ट्री तो उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस होंगे तो मेरा दावा यह है कि जो दूसरा साइड है वो जीतेगा और अगले साल एटलीस्ट तो रेवेन्यू जो है वो कम होगा कंपेयर टू दिस तो देखते हैं सही होता है मुझे मुझे भी लगता है लेकिन एक मुझे वालों ने बहुत बनाया है? और सब लोगों को अरे नहीं मिलेगा और खरीद लो ये कर लो वो कर लो ऐसे करके कंपनी को भी थोड़ा सा बेवकूफ बनाया और ग्राहकों को भी ग्राहकों ने होल्डिंग ज्यादा करी तो उससे ऑलरेडी उनके पास में बहुत माल है तो वो कम खरीद रहे हैं और कंपनियों ने सोचा अरे सप्लाई इतनी ज्यादा है यानी हमको कैपेसिटी और बढ़ानी चाहिए तो उन्होंने भी कैपेसिटी बहुत कंपनीज ने कैपेसिटी इंक्रीज में पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन असली ये दो, दोनों ही चीजें असली नहीं थी और मुझे लगता है कि अब वापस रियलिटी पे आ रही है चीज और ये इंडस्ट्री में बहुत लोगों को दिख रहा है तो जिसको कहते हैं हम ग्लट आने वाला है तो ये थोड़ा साइक्लिकल हो गया है ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसा मतलब एकदम से प्राइस बहुत ऊपर चले गए थे बहुत शॉर्टेज थी

पिछले कई सालों में ऐसे हो रहा था लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि वो साइकिल नहीं होगा क्योंकि अच्छा। इतनी डिमांड बढ़ रही है ए साइड पर बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह कई सारे 5G चिप्स वगैरह नई चीजें आएंगी तो उस वजह से लोग बोल रहे थे कि इस बार नहीं होगा और कई देश भी इसमें पैसे डाल रहे हैं ना तो एक वो भी बात है। हुँ, हुँ। पर पैसे दोनों साइड डाल रहे में भी और खर्चे में भी तो हाँ चल ये ये भी मैं भी मैं लेकिन इतफाक रखता हूँ तुम्हारी प्रोडिक्शन से ओके ओके ठीक है तो और को, और कोई है जो हम लोग प्लेटफॉर्म पर हम हमें अपनी श्रोताओं को ओपन करना चाहिए कि भाई आप बताइए आपकी क्या प्रोडिक्शन है और जैसे प्रणय ने बोला कि हिम्मत करके प्रिसाइस प्रोडिक्शन कीजिए और लिख के हमको भेजिए हम, हम हिसाब रखेंगे फिर आपका एकदम ठीक तो बताइए अगले साल एक और एपिसोड करेंगे अगले साल के अंत में इसी विषय पर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तो आप बताइए हमको आप आपकी क्या प्रोडिक्शन है और प्लीज हमको ये भी बताइए आपके आपके क्या फेवरेट एपिसोड्स रहे इस साल के जरूर हमको बताइए और और आप क्या सुनना चाहेंगे पुलियाबाजी में ये भी बताइए तो हमको अच्छा ही लगता है जितना आपका फीडबैक मिले हम तो वैसे बकर बकर करते रहेंगे फीडबैक के बिना भी पर फीडबैक आए तो थोड़े आपके मतलब की करेंगे <laughs> 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 सही <सथीज़ी> बात। <laughs> कोई recommendation देना चाहते हैं सौरभ आप? आपने अभी फिलहाल कोई अच्छी किताब पढ़ी हो ऐसे कुछ जो आप बताना चाहते हैं आ, मैं वैसे हिंदी बहुत कम पढ़ता हूँ लेकिन अभी मैंने शुरू ही करी तो अभी मैंने शुरू ही करी है रेत की समाधि आ, रेट और रेत समाधि रेत समाधि और गीतांजलि श्री जी की तो वो, वो काफी जबरदस्त बुक है बहुत बहुत धीरे-धीरे पढ़नी पड़ रही है मुझे एक तो ऐसे हिंदी पढ़ने की आदत कम है उसकी वजह से और दूसरा एक आई मीन जिसको बोलते हैं कि गद्य पद्य दोनों है उसमें तो मतलब पढ़ने में लगता है इतनी पोएटिक बुक है कि हर लाइन में इतना मतलब लाइन पढ़ के ना रुकना पड़ता है उसको थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए फिर आगे बढ़ना पड़ता है ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाएं तो मतलब काफी अभी तुम शुरू ही करी है लेकिन बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त लिखी लिखी लिखाई जो बहुत जबरदस्त है आगे की कहानी तो देखी जाएगी कहानी जो भी हो पर लिखाई जबरदस्त है अभी तो पढ़ने का बहुत मन कर रहा है आपने अभी बता दिया है तो <laughs> नहीं मैं तो हिंदी वाचन में तो मैं, तो मैं... हरिशंकर परसे के जो एसेज हैं वो पढ़ रहा हूँ तो कई सारी किताबें हैं ना विकलांग श्रद्धा का दौर वगैरह वगैरह वो उस तो वो मुझे बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहे हैं ऐसे और उसमें वो काफी प्रासंगिक है आज के टाइम पे भी वो काफी चीजें अप्लाई करते हैं तो वो मुझे बहुत मजा आ रहा है और अंग्रेजी में तो मैं वो किताब एक रिकमेंड करूंगा ह्यूमन काइंड होपफुल हिस्ट्री तो रज़र ब्रैगमैन की किताब है एक फिलोसोफर है विश्व को देखने का अलग नजरिया है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नजरिया और शायद मैं उस पूरी किताब से इत्तफाक नहीं रखता लेकिन क्योंकि वो एक अलग नजरिया इसलिए पढ़ना अच्छा है मेरी कोई हिंदी की रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन एक और मैं किताब नहीं रेकमेंड कर रही हूँ पर मैं एक मूवी रेकमेंड कर रही हूँ तो एक नेटफ्लिक्स पे है वो मूवी इन इनोला होम्स की एक मूवी uh, आई है आई डोंट डों आपने देखी है नहीं पर uh, मुझे ना उसका बैक बैक स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा उसमें ये है कि वर्जिनिया या वुल्फ का एक्चुअली एक ऐसे था uh, जिसमें उसने लिखा था माई रूम ऑफ वंस ओन जिसमें उसका प्रिमाइस ये था कि अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती जो शेक्सपियर जितनी ही टैलेंटेड uh, होती और उतनी ही एक अच्छी राइटर होती तो क्या वो एक महान लेखिका बन पाती ये उसका उनका प्रिमाइस है और उस पर उन्होंने फिर लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ जो भी रीजंस हैं उस जमाने के हिसाब से तो उसी प्रिमाइस को उठा के एक लेखिका जो है इनोला होम्स की जो आई थिंक नैन्सी स्प्रिंगर नाम है उनका तो उन्होंने अगर शर्लोक होम्स की बहन होती इमेजिनरी कैरेक्टर ही है बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेजिनरी कैरेक्टर है कि Sherlock Holmes की बहन होती जो उतनी ही टैलेंटेड होती तो उसकी लाइफ कैसी होती या उसकी कहानी कैसी होती उसके ऊपर है तो काफी एंटरटेनिंग है हल्की-फुल्की है बट इंटरेस्टिंग uh, है तो वो मुझे अच्छी लगी इस बार तो वो आप देख सकते हैं हम्म हम्म सही हुँ, है।, है देखना पड़ेगा वो हम्म अंग्रेज अंग्रेजी में मैं एक और रिकमेंड कर सकता हूँ बुक अभी हमारे गेस्ट भी आज रह चुके हैं नितिन पाई उनकी एक नई बुक आ रही है नितोपदेश नाम से और बहुत ज़बरदस्त बुक है अभी रिलीज नहीं हुई लेकिन क्योंकि मित्र हैं तो पढ़ने का मौका शुरू झलक पहले मिल गई है तो तो लेकिन बहुत जबरदस्त है एकदम हितोपदेश और पंचतंत्र के स्टाइल में लिखी हुई किताब है जिसको हमारी हिंदुस्तान के लिटरेचर का एक तरीका होता है ना कहानी में कहानी में कहानी और अलग अलग तरीके के कैरेक्टर और लेकिन मॉडर्न टॉपिक्स और एकदम बहुत ही जबरदस्त मॉडर्न मॉरल स्टोरीज जिसको बोलना चाहिए तो बहुत बहुत बढ़िया बुक है मिड जनवरी में आ रही है रिकमेंड करूंगा जबरदस्त uh, मैं भी बहुत ही ईगरली uh, uh, इंतजार कर रहा हूँ इस किताब का हम्म हु, तो हाँ इंटरेस्टिंग है तो पढ़िए जरूर ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए तो तो इसी बात पे खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी और वेट करते हैं हम आपके फीडबैक का आ, सब लोगों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। अनदर ग्रेट वीक ऑन द वी पॉडकास्ट नेटवर्क On All Things Policy, the Takshashila team discusses the government's intervention in tobacco consumption after New Zealand passed a law banning tobacco products. On This Round Is On Me, Gauri is joined by Dr. Jayashree Sharra, the cosmetic dermatologist. They talk about skincare routines and how the definition of beauty has changed over the years. On Has It Aged, well, Abbas and Uchita are joined by Srimi Varma, writer and face of Panache. The trio decodes Nikhil Advani's directorial debut, Kalhona Ho. Na Ho. And on The Wire Talk, Siddharth talks to S.Y. Kureshi, the 17th Chief Election Commissioner of India. They discuss the hasty decision that is the appointment of new Election Commissioner Arun Goel. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcasts.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. If you like our show, spread the word, tell your friends and don't forget to rate interview them wherever you're listening to them. You'll also find our shows on YouTube, Dot com slash podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.